नमस्ते एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू आवर क्लासेस। ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर प्रिपेयरिंग पोएम डॉवर बीच पेंड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पोएम and now today we are going to complete its remaining part. All of you know that the standing at the Dover beach, Matthew Arnold cast a look at the sea where waves are rising and falling. With the rising and falling of the waves, some thought come to the mind of poet. He compares the rise and fall of the waves to the ups and downs of the human life. He compares the rise of the waves to the happiness in the human life. Whereas he compares the fall to the miseries, sorrows of human beings. In this context, the poet mentions Sophocles, the great Greek dramatist and a tragedy writer. He remembers him and says that just Sophocles got an idea of ups and downs of the human life, so I also get here the same idea. Okay, in the last class we have read that the poet is much pained to see the decrease of faith in God. Poet discusses that day by day the mutual faith and faith in God is decreasing. Once there was a time when the all world was wrapped with the faith in God, but now we are losing faith in God. In our previous classes we have read that, and now here are our next lines. So have a look. देखिए ये अब तक जो हम बात कर रहे थे ये पिछली कक्षा की थी। पिछली जो कक्षा में पिछली पोएम में हमने पढ़ा कि एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी मैंने आपको कोशिश की, आप इसे सुने और समझने की कोशिश भी करें। अब हम आज की लाइन्स ले लेते हैं और आज ये पोएम कंप्लीट भी हो जाएगी। बस ये लाइन बची है जो है, देखें। आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस सो ब्यूटीफुल सो न्यू। वाओ, wonderful lines. Ah, love, addressing to his beloved or wife, or I can say beloved wife. Okay, addressing to his beloved, the poet says that let us be true to one another. देखो ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है ना, इसको हम बाद में लेके आएंगे, इसका थोड़ा अर्थ कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ जरूरी है। आ लव, अरे मेरे प्यार, यहां लव को नाउन की तरह एड्रेस किया गया है। देखो लव मीन्स बिलव्ड, मे बी बिलव्ड और वाइफ या बिलव्ड वाइफ, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि हु वाज देयर। तो या तो प्रेमिका हो सकती है, या उसकी पत्नी हो सकती है, या प्रेमिका पत्नी हो सकती है। आ लव लेट अस बी ट्रू
ओके बट कुछ जो राइटर्स हैं क्रिटिक्स हैं वो वाइफ ही मानते हैं, तो आप भी वाइफ माने। आ लव लेट अस बी ट्रू, देखो लेट अस बी ट्रू, आओ हम सच्चे बने। ट्रू मीन्स हियर फेथफुल, फेथफुल, आओ हम सच्चे बने, वफादार बने टू वन अनदर, टू ईच अदर। वन अनदर मीन्स टू ईच अदर। देखो अगर आप ये जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि वन अनदर का प्रयोग हम मोर देन टू के लिए करते हैं और ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए एक दूसरे के अर्थ में करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग ऐसे होने लगा है दो के लिए भी। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करेंगे तो इसका मोर देन टू के लिए, जबकि टू के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ओके तो कवि कहता है मैथ्यू आर्नोल्ड की आ लव, देखो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि लेट अस बी ट्रू, आओ हम सच्चे बने, वफादार बने टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए। ठीक है। फोर, क्योंकि द वर्ल्ड, ये दुनिया, सॉरी फोर, क्योंकि द वर्ल्ड, ये दुनिया, ये संसार, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जैसा ये हमारे सामने प्रतीत होता है, ये दुनिया जैसी हमारे सामने प्रतीत होती है, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की भूमि की तरह, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की भूमि की तरह, जैसे सपनों की भूमि होती है ऐसे ये हमें प्रतीत होती है। सो वेरियस, सो वेरियस, फिल्ड विद या फुल विद वेराइटीज, सो वेरियस, फुल विद वेराइटीज, सो ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत ये जो दुनिया है, ये संसार जो है हमें दिखाई देता है, इतना खूबसूरत। और इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ, सो न्यू, और इतना नवीन, नवीनता लिए हुए, इतना नया नया जो ये दुनिया हमारे सामने हमें दिखती है, हैथ रियली, हैज मींस हैज, वास्तव में, रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प ओ पेन। बहुत अच्छी लाइन्स हैं। हैथ रियली नाइदर जॉय, वास्तव में ये नहीं रखता है, कौन नहीं रखता है, वास्तव में इसमें नहीं है, किसमें नहीं है, इस दुनिया में, नाइदर जॉय, ना ही तो आनंद है, नॉर लव, ना ही प्यार है, नॉर लाइट, ना ही कहीं प्रकाश है। लाइट को आप यहां नॉलेज समझ सकते हो, यानी कि ना ही कोई ज्ञान है, ना ही कोई प्रकाश है, ना ही कोई ज्ञान है, नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब है, अगर हम सर्टिट्यूड को देखें, अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन अबाउट समथिंग, सर्टिट्यूड का मतलब है ए फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन, ए फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन अबाउट समथिंग, किसी चीज के विषय में निश्चित होने की भावना, किसी भी वस्तु के विषय में निश्चित होने की भावना। एक शब्द में आप अगर देना चाहो तो इसके लिए कॉन्विक्शन दे सकते हैं। तो सर्टिट्यूड, और ना ही किसी चीज में कोई निश्चितता की भावना है, नॉर पीस, ना ही कोई शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, ना ही किसी के दर्दों में कोई मदद है, एंड वी आर हियर एज एन, and we are here as on dark
क्लिंग प्लेन, प्लेन मीन्स हियर ग्राउंड, एंड वी आर हियर, और हम लोग यहां हैं, एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, जैसे कि डार्कलिंग प्लेन में होते हैं, डार्कलिंग मीन्स अंधेरा, फिल्ड विद डार्कनेस, डार्कलिंग प्लेन मीन्स फिल्ड विद डार्कनेस, डार्कलिंग मीन्स फिल्ड विद डार्कनेस, एंड वी आर हियर, और हम यहां हैं, एस एंड डार्कलिंग प्लेन, जैसे कि एक अंधेरे मैदान में हो, स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड, स्वेप्ट विद कंफ्यूज, स्वेप्ट विद फिल्ड विद, या फुल ऑफ, स्वेप्ट विद जो भरा हुआ है, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मींस उलझन होती है, बिवाइल्डर्ड, कंफ्यूज मींस बिवाइल्डर्ड, उलझन, जो भरा हुआ है उलझन से, कंफ्यूजन से, और देखो कंफ्यूज्ड अलार्म, यह दोनों का अर्थ एक निकलेगा, अनक्लियर फियर, इसके लिए दूसरा शब्द डिमेंटेड आप कह सकते हो, स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म, जो भरा हुआ है कंफ्यूज्ड अलार्म, अस्पष्ट से भय से, ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, संघर्ष के और पलायन के, स्ट्रगल और फ्लाइट, संघर्ष और पलायन के भय से, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, सिनोनिम इज टसल, फ्लाइट गेट अवे, स्वेप्ट विद जो भरा हुआ है, कंफ्यूज्ड विद अस्पष्ट भय से, ऑफ स्ट्रगल संघर्ष के, टसल के, एंड फ्लाइट और पलायन के, वी आर इग्नोरेंट आर्मीज, इग्नोरेंट अननॉलेजेबल, इग्नोरेंट मीन्स इग्नोरेंट अन नॉलेजेबल, क्लैश मीन्स फाइट्स, लड़ाई झगड़े, स्क्रिमिसेस, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, जहां अज्ञान सेनाएं, क्लैश बाय नाइट, रात के अंधेरे में लड़ती हैं, जहां अज्ञात सेनाएं, इग्नोरेंट अज्ञानी, जिन्हें पता नहीं है, आर्मीज सेनाएं, क्लैश लड़ाई झगड़ा करती हैं, बाय नाइट रात के अंधेरे में, क्लैश फाइट्स क्वारल्स स्क्रिमिस, और इसके लिए एक और वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन, ये हमारा इसका शाब्दिक मीनिंग है, आ लव दोबारा से देख लें, दैट इज अवर वर्ड मीनिंग, आ लव अपनी प्रेमिका को, पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है, लेट्स बी ट्रू, आओ वफादार बने टू वन अनदर, एक दूसरे के, फॉर क्योंकि द वर्ल्ड, ये दुनिया, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो हमारे सामने प्रतीत होती है, ये दुनिया जो हमारे सामने प्रतीत होती है, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, एक सपनों की दुनिया की तरह, सपनों की भूमि की तरह, सो वेरियस, इतनी विविधता लिए हुए, सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदरता लिए हुए, सो न्यू, इतना नवीनता लिए हुए, हैज रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, वास्तव में ना ही तो इसमें जॉय है, ना लव है, ना लाइट है, यानी नॉलेज है, ज्ञान है, प्रकाश है,
नॉर सर्टिट्यूड ना ही किसी चीज की निश्चिंत होने की कोई फीलिंग है, नॉर पीस ना ही शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन ना ही किसी के दर्दों में किसी की कोई मदद है। एंड वी आर हियर और हम यहाँ हैं एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन जैसे कि रहता है एक अंधेरे मैदान में, स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जैसा कि एक अंधेरा मैदान होता है, जिस प्रकार से एक अंधेरा बैटल फील्ड होता है, वार जोन होता है, स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म जो भरा रहता है, युक्त रहता है, कंफ्यूज्ड अलार्म अनक्लियर फियर अस्पष्ट से भय से ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, संघर्ष के और पलायन के, जो भरा रहता है संघर्ष के और पलायन के अस्पष्ट भय से। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, जहां पर अज्ञानी अननॉलेजेबल आर्मी जिन्हें यह पता नहीं है, क्लैश बाय नाइट रात के अंधेरे में लड़ते हैं, जहां पर इग्नोरेंट आर्मीज, इग्नोरेंट आर्मीज का मतलब यहां पर यह है द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग देयर डोंट नो हु आर देयर फ्रेंड्स एंड हु आर देयर फॉल्स, दे आर अनेबल इन डिस्टिंग्यूश in distinguishing, in discrimination between the foes and friends. वे असल अंधेरा है तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम मित्र से लड़ रहे हैं या अपने शत्रु से लड़ रहे हैं. Okay? ये हमारी हिंदी है और वर्ड मीनिंग भी है लिखा दिए हैं. देखिए अब इस जो इसका भावार्थ ये है, For the world which seems to lie before us like a land of dreams, various so beautiful, ये दुनिया जो हमारे सामने ऐसी दिख रही है ना, ऐसी है नहीं है, ये दुनिया भरी हुई है अंधकार से, कंफ्यूज अलार्म से, तो ऐसी स्थिति में जो एक हम कम से कम एक दूसरे के प्रति सच्चे बने रहें, ये ऊपर की जो लाइन्स हैं, ये नीचे आप दोबारा इन्हें यूज कर सकते हैं. ठीक है, देखिए एड्रेसिंग इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देख लो. स्टैंडिंग एट द डॉवर बीच, द पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड्स कास्ट अ लुक एट द वेव्स विच आर फॉलिंग एंड सॉरी राइजिंग एंड फॉलिंग टू सी To see the scene of falling and rising, poet fills with the passion of human miseries and his happiness. Addressing to his beloved wife, the poet says that this world, listen carefully, this world appears to be fascinating. This world appears to be fascinating, but in reality, this world has neither joy nor love nor knowledge nor certitude nor peace nor help for pains. This world seems to be the land of dreams, but reality is so far. Reality is far much from that fact. The reality is just opposite. It is not like that it seems. The poet says that in the world, on the land of world, people are struggling and fighting with one another, joint knowing the friends and foes. People are losing their faith in God and they are getting confusion
इन देयर लाइफ. दिस लैंड सीम्स लाइक द बैटल फील्ड वेयर द आर्मीज द एनिमीज आर किलिंग वन अनदर विदाउट आइडेंटिफाई देयर फ्रेंड्स एंड देयर फोर्स. ओके, दैट इज अवर एक्सप्लेनेशन. ये जो लाइन्स हैं आई थिंक ये समझ में आए होंगे आपके. इसके सारे तरीके से करा दिया है, हिंदी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग. ओके, तो दैट इज अवर टूडेज क्लास. आज ये पोएम समाप्त हो गई है, अब इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे हम. ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो हमें शब्दों इनकी कराते हैं ये सुनने के लिए है, एग्जाम के लिए हम कराएंगे एक्सप्लेनेशन, डिटेल से कराएंगे सिस्टमेटिक. ओके, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे. आप ये साथ साथ पढ़ते रहें. देखो ये पोएम तो एक बार पढ़ने से ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चंस कराते हैं उसको आप साथ साथ याद करें. ठीक है, और भाषा आपको सर्वश्रेष्ठ दी जाएगी, और आप उसे अगर लिख के आओगे एग्जाम में तो आई होप कि यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, थैंक यू वेरी मच.